What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to IFL. आज मैं आपको 5 मिनट में एकदम क्रिस्पी जालेदार डोसा का बैटर कैसे बनाते हैं वो बताने वाला हूँ। चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई है तो नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब नवरात्रि के दौरान बहुत लोग फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो आज जो डोसा बनने वाला है वो व्रत वाला डोसा बनने वाला है। अब ये जो व्रत वाला डोसा ना, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है उसे समा कहते हैं या समक कहते हैं या समा के चावल कहते हैं, बगर भी कहा जाता है इसे। ये एक मिलेट होता है जिसे बानयार्ड मिलेट कहते हैं और इससे डोसा बनाया जाता है और थोड़ा सा साबूदाना इसमें ऐड किया जाता है। बैटर जो है 2-5 मिनट में बन जाता है एकदम फटाफट और इसका जो टेक्सचर है ना वो एग्जैक्टली जैसे रवा डोसा हम खाते हैं, वो जालीदार डोसा जो होता है क्रिस्पी वाला, सेम टेक्सचर इसका मिलता है। तो अगर आप एक ग्लूटेन फ्री वर्जन ढूंढ रहे हो रवा डोसा का, क्योंकि रवा जो है वो व्हीट से बनता है, गेहूँ से बनता है, तो ये परफेक्ट ग्लूटेन फ्री ऑप्शन है रवा डोसा के लिए भी। तो अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आप ये रेसिपी बना सकते हो, बहुत डिलिशियस मिलेट वाला डोसा ये बनता है। साथ ही में इस डोसा के मैं आपको और दो चीज़ें बता रहा हूँ, एक व्रत वाली चटनी जो बहुत डिलिशियस लगती है और साथ ही में व्रत वाले आलू जो इस डोसा के साथ हम सर्व करेंगे। और ये जो आलू और चटनी है, अगर डोसा नहीं भी बनाना चाहते हो तो अलग से भी बना सकते हो। ये जो आलू है बहुत सिंपल होते हैं बनाने के लिए और फटाफट बन जाते हैं और बहुत डिलिशियस भी होते हैं। और अगर आपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो टू वॉच मोर सच रेसिपीज ऑन YFL। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि इस डोसा के बैटर की तैयारी कैसे करनी है। यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज के आलू बॉईल करके पील कर लिए हैं। इन 5 आलुओं में से एक आलू को साइड पे रख रहा हूँ जो हम बैटर में यूज़ करेंगे और बाकी 4 आलुओं की हम सब्जी बनाएंगे। अब एक पैन आपको ले लेना है और उसमें 1/4 कप साबूदाना ऐड करना है। साबूदाना ऐड करके 3-4 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर साबूदाने को भून लेना है। साबूदाने को हम डायरेक्टली बैटर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में। इसके लिए यहाँ पर उसका जो स्टार्च है उसको हल्का सा पका रहे हैं क्योंकि हम साबूदाना को सोक नहीं करने वाले। 3-4 मिनट हो जाए, साबूदाना हल्का सा भून जाए, तभी इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और हल्का सा ठंडा कर लीजिए। अब एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार ले लीजिए, उसमें ये भुना हुआ साबूदाना, साथ ही में 1/2 कप समा, 1 उबला हुआ आलू, 2-3 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक, 2 टेबलस्पून दही, टेस्ट के हिसाब से सेंधा नमक और 1.5 कप इसमें पानी ऐड करना। ये सारी चीज़ों को एक फाइन बैटर में आपको पीस लेना। जो सेंधा नमक यूज़ किया है ये व्रत में यूज़ किया जाता है। अगर रेगुलर आप ये रेसिपी बना रहे हो तो रेगुलर नमक भी यूज़ कर सकते हो। ये आप देख सकते हो मैंने बैटर को एकदम फाइन तरीके से पीस लिया। इसे एक बोल में आपको ट्रांसफ़र कर लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है, उसके बाद कंसिस्टेंसी को हम एडजस्ट करेंगे। ढक कर इस बैटर को 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दीजिए। तो आपने देखा ये बैटर बनाना कितना आसान है, बस सारी चीज़ें मिक्सी में डाल दी, पीस ली और बैटर रेडी हो जाता है। 10-15 मिनट का आपको बस रेस्ट देना है और फिर आप इसे डोसा बना सकते हैं। बस थोड़ी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे और फिर डोसा कैसे बनाना है वो आपको बता दूंगा। अब इसमें हमने बानयार्ड मिलेट यानी कि बगर या समा के चावल जिसे कहते हैं उसे यूज़ किया है। अब इस रेसिपी में आप रागी भी यूज़ कर सकते हो। मिलेट्स को जो है अपने डाइट में हमें इंक्लूड करना चाहिए और ये भी एक तरीका है इसको इंक्लूड करने के लिए। ऐसे कई सारी और रेसिपीज़ मिलेट्स के साथ बनती है और मैं धीरे धीरे अपने चैनल पर ये बनाते रहूँगा, तो आपको घर पर भी मिलेट की रेसिपीज़ कैसे बनानी है वो पता चलती रहेंगी। अब बैटर को एक बार रेस्ट करने रख दिया है तो ये बेस्ट टाइम है चटनी और आलू की सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि बहुत क्विक दोनों प्रोसेसेस हैं। तो जब तक ये बैटर रेस्ट हो रहा है, चटनी कैसे बनाते हैं और आलू की सब्जी कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। चटनी बनाने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में 1 कप ताज़ा धनिया, 1/2 कप ताज़ा नारियल, यहाँ पर मैंने 1/3 कप मूंगफली को रोस्ट कर लिया था, रोस्टेड पीनट्स ऐड कर दीजिए, 3 तीखी हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 2 टीस्पून शक्कर, 1/2 नींबू का रस, टेस्ट के हिसाब से सेंधा नमक, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कीजिए, थोड़ी सी बर्फ ऐड कीजिए और 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ों को साथ में आपको पीस लेना और एक चटनी बना लेनी है। चटनी की कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी गाढ़ी रखनी है। बर्फ़ हमने इसमें कलर रिटेन करने के लिए ऐड किया है। ये चटनी बहुत ही डिलिशियस बनती है, व्रत के लिए नहीं भी बना रहे हो अलग से भी बनाना, बहुत डिलिशियस इसका टेस्ट होता है। ये आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ों को एक साथ पीस लिया और ये हमारी व्रत वाली चटनी रेडी हो गई है। अब व्रत वाली आलू की सब्जी बनाने के लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए और गर्म कर लीजिए। फिर इसमें 1 टीस्पून जीरा, 10-12 कड़ी पत्ते, 2-3 हरी मिर्च और 2 इंच अदरक को अब ग्रेट करके आपको ऐड कर देना है। ये सारी चीज़ों को हल्का सा भून लेना है बस 1 मिनट के लिए। फिर इसमें
चार जो आलू हमने उबाल के रखे थे उन्हें रफली ऐसे हाथों से तोड़कर ऐड कर देना। साथ ही में इसमें टेस्ट के हिसाब से सेंधा नमक, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और एक चुटकी शक्कर ऐड कर दीजिए। अच्छे से स्टर करके सारी चीज़ों को मिलाना है और 2 से 3 मिनट के लिए आपको इसे साथ में पका लेना है। बीच बीच में लगता है कुछ आलू के टुकड़े बहुत बड़े हैं तो मैश कर सकते हैं, बस 2 से 3 मिनट के लिए आलूओं को तड़के के साथ पका लीजिए। फिर इसमें लास्ट में आधे नींबू का रस और ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कीजिए। अच्छे से स्टर कर लीजिए और आप देख सकते हो हमारे व्रत वाले आलू की सब्जी रेडी हो गई है। तो चटनी और आलू हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये भी बहुत दोनों सिंपल रेसिपीज़ है। तो ओवरऑल बैटर, चटनी और आलू बहुत फटाफट बन जाता है, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल रेसिपी। ये अब जो आलू बनाओगे ना, ये आलू को आप अलग से भी सर्व कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि डोसा के साथ ही सर्व करना है। समा के चावल की पूरी बनती है या सिंघाड़े के आटे की भी पूरी बनती है, तो पूरी बनाकर भी सर्व कर सकते हो। मैंने एक रेसिपी ऑलरेडी शेयर की हुई है जिसमें मैंने समा की पूरी बनाई थी, साथ में तरी वाले आलू बनाए थे व्रत वाले, तो वो रेसिपी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। वो रेसिपी भी नवरात्रि के समय आप ट्राई कर सकते हो। अब चटनी आलू बनाने के वक्त हमारा जो बैटर है वो रेस्ट हो चुका है, उसमें बस 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा में ऐड करनी है और फिर उसका डोसा कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। बैटर रेस्ट होने के बाद आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी जो हल्की सी गाढ़ी हो गई है, तो इसे एडजस्ट करने के लिए मैं इसमें 1/4 कप और पानी ऐड कर रहा हूँ। पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर कंसिस्टेंसी इसकी देख लीजिए, ऐसे पतली पोरिंग कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तब इसमें एक चुटकी जीरा, थोड़ी सी ताज़ी कूटी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया, ये 3 चीज़ें ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये हमारा डोसा का बैटर अभी रेडी हो गया है डोसा बनाने के लिए। अब एक डोसा पैन या एक नॉनस्टिक पैन ले लेना है और इस पैन को आपको अच्छे से गर्म कर लेना है। तवा को अच्छे से गर्म कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परफेक्ट टेक्सचर के लिए। तवा अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। तवा एक बार आपका अच्छे से गर्म हो जाए तो बस एक करछी आपको बैटर ले लेना है और बैटर को इस तरीके से पोर कर देना है ताकि वो गर्म जो तवा है उसकी वजह से ऐसे जाला बन जाए और एक इवन पतला लेयर बैटर का आपके तवे के ऊपर आ जाए। बस इजी तरीका एकदम शेप करने का इस डोसे को। एक बार आपका डोसा सेट हो जाए, इसके ऊपर देसी घी या तेल ऐड कर सकते हैं। मैंने इधर देसी घी ऐड किया। देसी घी डालकर अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए इस तरीके से और फिर लो फ्लेम पर इस डोसा को आपको अच्छे से पकाना है जब तक कि ये क्रिस्प हो जाए। क्रिस्प हो जाए ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप देखोगे तो ये जो जाला है ना ऊपर से भी आपको इसके एजेस जो हैं वो थोड़े थोड़े ब्राउन दिखना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो डोसा है वो एकदम नरम बनेगा और बिखर जाएगा जब भी आप इसको निकालोगे तवे से। इसको क्रिस्प करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हो कैसे ब्राउन ये कलर आ गया है डोसा के ऊपर, ये साइड्स में जब भी आप देख रहे हो। इस स्टेज पर आपको केयरफुली डोसा को निकाल देना है तवे से और ये आप देख सकते हो कितना परफेक्ट टेक्सचर आया है, एकदम जाला बन गया है और क्रिस्पी डोसा हमारा तैयार हो गया है। लेट्स प्लेट इट वाईफल स्टाइल। सिंपल रेसिपी है येट इतनी डिलिशियस लगती है, बहुत ही क्लीन फ्लेवर्स होते हैं, टेक्सचर जो डोसा का वो एकदम परफेक्ट आता है। जैसे मैंने आपको बोला डोसा बनाने के लिए तवा एकदम गर्म होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तवा गर्म नहीं होगा डोसा बनेगा नहीं सही तरीके से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एकदम गर्म तवा, पानी जब भी डालोगे तो एकदम इवेपरेट हो जाना चाहिए या एकदम उसके बबल्स बन जाने चाहिए तवे के ऊपर और फिर इसके ऊपर बस ऐसे आप पोर करोगे, वो जाला बन जाना चाहिए डोसा का और फिर क्रिस्प तरीके से एकदम पका देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें तो एकदम सिंपल है। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पे, मुझे कमेंट्स बताओ आपको रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ़ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।